हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं 6 कली का पेटीकोट बनाने जा रही हूँ और ये फ्रिल वाला रहेगा मेरा पेटीकोट, इस तरह का। यहाँ डबल मैं लगाई हूँ फ्रिल मोड़ के। देखिए, मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। देखिए, इसमें बहुत घेरा है, बहुत अच्छा आता है। ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है पेटकोट बनाने के लिए। अब मैं इसको ऐसे मोड़ ली हूँ यहाँ पर। अब पहले मैं बेल्ट का लगाऊंगी निशान। बेल्ट मेरा 5 इंच। इसको मैं काट दूंगी पहले। मैं यहाँ पर 4 फोल्ड इसको कर ली हूँ पेटीकोट का कपड़ा अपना। ये बॉर्डर बॉर्डर है, यहाँ से मैं फ्रिल निकालूंगी पेटीकोट में लगाने के लिए। मेरा 2 इंच का फ्रिल है, इसको मैं डबल लगाऊंगी अपना फ्रिल। इसको मैं अब काट ले रही हूँ। अबे, मेरा पेटकोट का कपड़ा इतना बचा है, इसमें सब लंबाई मैं निकालूंगी। मुझको 36 इंच का लंबाई चाहिए पेटकोट का, और इसमें 36 में से मैं 3 घटा दूंगी क्योंकि 1 इंच मेरा फ्रिल लगेगा और 2 इंच बेल्ट ऊपर का। इतना मेरा कपड़ा बच रहा है। यहाँ पर मैं 5.5 इंच लगाऊंगी। यहाँ पर भी 5.5 इंच। इस तरह से मैं लगा के अब काट दूंगी इसको। ये जो मेरा 4 कली है इधर का पतला पतला, इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, इतना बेसी है नीचे वाला, इसको मैं काट दूंगी। और इधर का भी, इधर थोड़ा सा बेसी है, इधर भी। अब मैं इसको आपको जोड़ने के लिए बता रही हूँ। ये मेरा चौड़ा वाला है, ये देखिए मेरा सीधा है इधर का,
ये सीधा वाला यहाँ रखा जाएगा और इधर का सीधा वाला यहाँ। इस तरह मेरा पेटीकोट जुड़ जाएगा। आपको ध्यान देना, एक तिरछा रहेगा, ये सीधा रहेगा। ये मेरा बेल्ट है, मैं बेल्ट काटी थी, और ये बचा वाला कपड़ा है ये वाला, इसमें से मैं बेल्ट में जोड़ लू दूंगी, थोड़ा सा जोड़ के तब बताऊंगी। यह मेरा चौड़ा है, चौड़ा वाला है ये वाला, इसका ये तिरछा है कटिंग, और ये पतला वाला है, पतले वाले का ये सीधा, इस साइड सीधा है, मैं ये तिरछा और इस साइड का सीधा दोनों जोड़ूंगी एक में। यहाँ पर इसको अपना जोड़ ली हूँ, दोनों अलग अलग मैं जोड़ी हूँ इसको इस तरह से, और मैं अब यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दूंगी इस साइड का। आपको बेल्ट लगाने के लिए इस कपड़े को आपको सीधा और इसको नीचे, उसके नीचे इसको रखना है, उल्टे की साइड में इसको रखना है इस तरह से। बेल्ट नीचे रहेगा मेरा, उल्टे की साइड में देखिए, तब बेल्ट अच्छा बैठता है। और इधर का सीधा है मेरा, इस तरह से मेरा बेल्ट लग गया है इधर से। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी यहाँ पे, ऐसे ही मैं इसको बेल्ट को इस पे चढ़ा के सिल दूंगी यहाँ पे। मैं इसमें अब फ्रिल जोड़ूंगी यहाँ पे नीचे, ये मेरा फ्रिल है जो मैं पहले काट के रखी थी इसको, इसको मैं डबल कर लूंगी इस तरह। इस तरह से मेरा फ्रिल लग रहा है यहाँ पे। मेरा फ्रिल लग के कंप्लीट हो गया है, इसको पलट के ऐसे यहाँ मैं सिलाई कर दूंगी। अब मैं इसको जोड़ दूंगी।
देखिए मेरा पेटीकोट अब सिल के तैयार हो गया है। इस तरह से बेल्ट मेरा लगा है। मेरा पूरा पेटीकोट कंप्लीट हो गया है।